बाबा ने कहा, कहने लगी पापी अगर मैंने पहले जान लिया होता तो मैं तुझे श्राप दे करके भस्म कर देती, तुझे बर्बाद कर डालती। और ये भगी तूने ये क्या किया पापी, अब मैं क्या करूं। उसी समय कहने लगा है दुर्मिलिक नाम का राक्षस रानी पवन रेखा, मुझे श्राप मत दे देना, श्राप मत दे देना। सुनो कि ठेरो ठेरो रानी आप मुझको दे मत देना श्राप, होगा होगा तुम्हारी लल्ला होगा। रानी पवन रेखा से बोला है वो राक्षस, ठेरो ठेरो रानी आप मुझको दे मत देना श्राप, होगा होगा तुम्हारी लल्ला होगा। दुर्मिलिक कहने लगा, मैंने तुम्हारे साथ में कुछ बुरा नहीं किया, मैंने तुम्हारी सोनी गोद को देखा तो मुझे बड़ी दया आई, और मुझे दया आई, मैंने तुम्हारी सोनी गोद को भर दिया। तुम्हें नहीं पता है रानी, तुम्हारे गर्भ से जो बालक पैदा होगा वो कैसा होगा। मेरा ऐसा होगा इसका नाम पड़ेगा कम, मेरा ऐसा होगा इसका नाम पड़ेगा कम, होगा होगा तुम्हारी लल्ला होगा। ठेरो ठेरो रानी आप मुझको दे मत देना श्राप, होगा होगा तुम्हारी। आज पवन रेखा से दुर्मिलिक कहने लगा, रानी मुझे श्राप मत दे देना क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ में कुछ बुरा नहीं किया, मैंने तुम्हारी सूनी गोद को भर दिया, हमारे हमारा जो अंश होगा ना तुम्हारे गर्भ से जो बालक पैदा होगा वो कैसा होगा। रानी पवन रेखा कहने लगी, पापी तेरे जैसा कुत्ता होगा और कैसा होगा। दुर्मिलिक बोला, ठीक कहा है लेकिन रानी सुनो, समान योद्धा होगा जिसे कोई जीत नहीं पाएगा, और राजा नर की तो बात छोड़ी बस इंद्रहरि के जाएगा। इतनी बात कहने के बाद दुर्मिलिक नाम का राक्षस वहां से गायब हो गया।